नमस्कार। प्रसाद के संबंधी हम कुछ आपके साथ बातें और साझी करना चाहते हैं। जो बच्चे हमारे पास आए और वापस गए हैं, उनको ग्रुप में लिया है, या अभी तक जो हमारे पास नहीं पहुंचे, पहुंचना चाहते हैं, ध्यान दें। हमने चश्मा उतारना बंद कर दिया है, उसका कारण बताता हूं कि हमारे साथ झूठ बोलना बच्चे का, माता पिता के कहने पर, माता पिता के या बड़े बुजुर्गों के कहने पर बच्चा झूठ बोलता हमारे पास। हम अनाउंसमेंट करते हैं, जैसे कि हमने पहली मई से शुरू किया, भी सोचा कि पहली मई से शुरू करते हैं चश्मा उतारना, तो हमने अनाउंसमेंट करी कि जिन बच्चों को चश्मा लगा आ जाए, पांच छह बार चश्मे के बिना ना आए, पांच छह बार कहा, पांच छह बच्चे आ गए, चार पांच बच्चे थे आ गए सुबह सुबह। तो दो चार जो बूढ़ी बूढ़ी औरतें थी ना, उन्होंने साथ बैठे छोटे छोटे बच्चों को, उठ उठ चल चल चल, उनको चश्मा नहीं लगा था। तो फिर मैंने बोला कि इनको चश्मा नहीं है, इनका क्या उतारे हम, डॉक्टर ने बताया नहीं लगाया, घर रह गए, ऐसे कहने लगे। और कैसे नहीं देना, आपने देना पड़ेगा आपको, राजस्थान से आए हैं, यूपी से आए हैं, जे एंड के से आए हैं, ऐसे जो रफ लैंग्वेज में। तो हमने वो भी चश्मा नहीं उतारा, उन बच्चों का भी चश्मा किसी का नहीं उतारा, बंद कर दिया तुरंत। हमने क्या लेना देना, यही कारण है। और जो उस दिन औरत ने हमें थाने जाकर 10,000 रुपया लेकर हमसे समझौता किया था, उसका कारण भी यही है, यही कारण है। हमने दुखी होकर के बच्चों का चश्मा उतारना बंद, हमसे भी धोखा, झूठ यारो, किसी और से झूठ बोल लेना जाकर, अब क्या है, अब छोड़ दिया हमने चश्मा उतारना। दूसरी बात, विश्व 16 अगस्त महीने से हमने यहां पर द्वारा प्रसाद शुरू किया है, तब से हम बोल रहे हैं कि प्रसाद लेने वाले गाड़ी पीछे लगा कर आओ, गाड़ी पीछे लगा कर आओ, ऑटो पीछे लगा कर वहां से उतर कर पैदल आओ। महल्ले वालों को ये तकलीफ है, और सही तकलीफ है। किसी ने नहीं मानी हमारी बात, किसी ने हमारी बात नहीं मानी। ऑटो हमारे घर के सामने, चौरस्ते में, गली में, और लोगों के घर के सामने, लोगों का निकलना मुहाल हो गया था। हम किसी का रास्ता रोक रहे हैं तो हमारे रास्ते खुले रहेंगे, बंद हो गया। हमने ये भी बोला कि किसी प्लाट खाली में लैट्रिन बाथरूम नहीं बैठना, लोग बैठते रहे, हमने मना किया, हम कहाँ जाए। अरे देखिए कितनी जमीन पड़ी है, कितने लैट्रिन बाथरूम रास्ते में यहाँ पर आकर आता है, यहाँ पर तो इतना समय लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा। जो बाहर करके आता ना, तो मुझे भी लैट्रिन बाथरूम नेचुरली प्रक्रिया है, ये तो एक बार कर लो, पाँच छः घंटे, तीन चार पाँच छः घंटे निकल जाते हैं। तो इसका मतलब यही है कि कुछ लोग प्रसाद लेने नहीं आते, लैट्रिन बाथरूम करने आते हैं यहाँ पर, और उनकी भी लोगों उन पर भी लोगों महल्ले वालों को तकलीफ थी, बिल्कुल सही थी। एक बार नहीं, हमने कई बार बोला कि लैट्रिन बाथरूम यहाँ पर नहीं जाना, आपके घर के सामने मैं बैठ जाऊँ खाली प्लाट देकर, आपको कैसा लगेगा, आपके घर, सभी के घर में बहुएं और लड़कियां होती हैं, औरतें होती हैं, सभी इज्जतदार घर हैं, आप भी और महल्ले वाले भी, ये बात इज्जतदारों की नहीं है। चलो बाकी जो और छोटे छोटे मसले थे वो इतने बड़े नहीं है। इस कारण हमने एक द्वारा जुआ समझो के खेलने लगे हैं कि 40 साल से ऊपर वाले, जिनकी आयु 40 साल से ऊपर है, उनको हम प्रसाद देना हमने शुरू कर दिया है। 40 साल से कम उम्र वाले जिनको चश्मा लगा हुआ है, हम चश्मा उतारना बिल्कुल बंद कर दिया है। हाँ, जो बच्चे जिनका कहीं इलाज नहीं है, डॉक्टर्स की पूरी रिपोर्ट, MRI, एक्सरे और जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं, वो फाइल लेकर आएंगे बच्चे,
बिना फाइल के हम डील नहीं करेंगे, उनकी मदद जरूर करेंगे। जहाँ ब्लाइंड बच्चे जो हैं, चश्मा उतारना हमने बंद कर दिया, हमारे पास नहीं आना। फिर नहीं कहना कि हम राजस्थान से आए हैं, पलवल से आए हैं, या कन्याकुमारी से आए हैं, या मध्य प्रदेश से आए हैं, या हिमाचल से आए हैं, J&K से आए, कहीं से भी आए हो, किया हुआ सफ़र, खर्च किया हुआ किराया, हुई थकान, मैं जिम्मेवार नहीं हूँ। मैंने बिल्कुल आपको स्पष्ट शब्दों में बोल दिया है कि हमने शब्द चश्मा उतारना बंद कर दिया। द्वारा बताने लगा हूँ, जिन बच्चों का कहीं इलाज नहीं, पूरी रिपोर्ट्स लेकर आएंगे और उस उनकी मदद हम जरूर करेंगे। 40 साल से ऊपर वाले, अगर किसी की गाड़ी सही जगह पर नहीं लगी होगी तो समझो कि आप खाली हाथ जाओगे, और हो सकता है प्रसाद द्वारा बंद हो सकता है। फिर इन बातों का आपने ध्यान रखना है। और सोमवार, वीरवार, शुक्रवार की छुट्टी होती है। नमस्कार।